श्रावण माह में आने वाले प्रत्येक सोमवार पर महादेव के विशेष रूप को पूजने का विधान है। जानिए श्रावण मास के पांच सोमवार के पांच महादेव कौन से हैं। पहला सोमवार महामायाधारी। श्रावण के पहले सोमवार को महामायाधारी भगवान शिव की आराधना शुभ मानी गई है। पूजा क्रिया के बाद शिव भक्तों को ओम लक्ष्मी प्रदाय ह्रीम ऋण मोचने श्री देहि देहि शिवाय नमः मंत्र का 11 माला जप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से लक्ष्मी की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और ऋण से मुक्ति मिलती है। दूसरा सोमवार महाकालेश्वर। दूसरे सोमवार को महाकालेश्वर शिव की विशेष पूजा करने का विधान है। श्रद्धालु को ओम महाशिवाय वरदाय हीम एम काम्य सिद्धि रुद्राय नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला जप करना चाहिए। महाकालेश्वर की पूजा से सुखी गृहस्थ जीवन, पारिवारिक कलह से मुक्ति, पितृ दोष व तांत्रिक दोष से मुक्ति मिलती है। तीसरा सोमवार अर्धनारीश्वर। सावन के इस तृतीय सोमवार को अर्धनारीश्वर शिव का पूजन किया जाना चाहिए। इन्हें खुश करने के लिए ओम महादेवाय सर्व कार्य सिद्धि देहि देहि कामेश्वराय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करना श्रेष्ठ माना गया है। इनके विशेष पूजन से अखंड सौभाग्य, पूर्ण आयु, संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा, कन्या विवाह, अकाल मृत्यु निवारण व आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। चौथा सोमवार तंत्रेश्वर शिव। चतुर्थ सोमवार को तंत्रेश्वर शिव की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन कुश के आसन पर बैठकर ओम रुद्राय शत्रु संहाराय क्लीम कार्य सिद्धये महादेवाय फट मंत्र का जप 11 माला शिव भक्तों को करनी चाहिए। तंत्रेश्वर शिव की कृपा से समस्त बाधाओं का नाश, अकाल मृत्यु से रक्षा, रोग से मुक्ति व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पांचवा सोमवार श्री त्रयंबकेश्वर। पांचवे सोमवार को श्री त्रयंबकेश्वर की पूजा की जाती है। इसमें रुद्राभिषेक, लघु रुद्री, मृत्युंजय या लघु मृत्युंजय का जाप करना चाहिए। गंगा जल, दूध, शहद, घी, शर्करा व पंचामृत से बाबा भोले का अभिषेक कर वस्त्र, यज्ञोपवित्र, श्वेत और रक्त चंदन भस्म, श्वेत मदार, कनेर, बेला, गुलाब पुष्प, बिल्वपत्र, धतूरा, बेलफल, भांग आदि चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक उत्तर दिशा में जलाएं। पूजा करने के बाद आरती कर क्षमार्जन करें। श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार शिव के इन पांच रूपों की आराधना पवित्र, शुभ और कल्याणकारी मानी गई है।